इतनी भीड़ में दिखता ही कहीं वो भी दिख जाए। भगवान से कहेंगे हमें न्याय दिलाए। ये बेबस माँ है, ये माँ अब सिस्टम से नाउमीद हो चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके लाडले बेटे आदित्य सचदेवा का गुनहगार बिना सजा पाए जमानत पर जेल से बाहर आ गया है। जी हाँ, बिहार के गया में सरयाम रोड पर आदित्य सचदेवा को गोली मारने के आरोपी रॉकी यादव को 5 महीने के अंदर बेल मिल गई। रॉकी जून 2016 में गिरफ्तार हुआ था और उसको अभी सजा भी मुकर्रर नहीं हुई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। बस इसी न्याय ने इस माँ के कलेजे को छलनी कर दिया है। 5 महीने के अंदर उसका सारा क्लियर हो गया। वो क्या सारे कुछ नहीं, अब इसके बाद तो सब खत्म है। क्यों इतने बड़े कोर्ट से उसको सजा नहीं मिली, हम तो ये तंग है, उसको बेल मिल गई। रॉकी यादव गया की पूर्व MLC मनोरमा देवी का बेटा है। आदित्य की माँ चंदा सचदेवा का आरोप है कि रुतबे की वजह से आरोपी रॉकी को जमानत मिल गई। सवाल यही है कि क्या पुलिस के पास सबूत नहीं थे? अगर सबूत नहीं थे तो फिर रॉकी यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया? बिहार सरकार ने रॉकी की मां मनोरमा देवी को विधान परिषद से आनन फानन में सस्पेंड क्यों कर दिया? ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि सवाल एक मां ने यहां पर न्यायिक व्यवस्था पर उठाया है।